हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाल ही में यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी हुआ है, दिसंबर साइकिल का। और आज हमारे साथ में है प्रज्ञा नेमा, जो कि इतिहास विषय से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है जून दिसंबर वाले एग्जाम। तो आज हम प्रज्ञा से बात करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, और यूजीसी नेट जैसे टफ एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने पढ़ी है, उनका शेड्यूल क्या था इस प्रिपरेशन के दौरान। तो ये सारी बातें हैं जो प्रज्ञा से हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रज्ञा, आपको बहुत सारी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। प्रज्ञा, ये जो एग्जाम है लाखों लोग हर साल देते हैं लेकिन कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, और आप उनमें से एक हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले जी तो हम सारी बातें करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह सब पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बारे में थोड़ा सा बताओ हमें, कहाँ से हैं, अपने एजुकेशन में क्या किया है, ये सारा हमारे स्टूडेंट को भी हम बताइए। जी सर, मेरा नाम प्रज्ञा नेमा है और मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। एंड मेरा जो बेसिक एजुकेशन था, जैसे कि जो प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 12 तक का था, तो वो मेरा भिलाई से ही हुआ, यानी दुर्ग के ही पास भिलाई है। भिलाई से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। अदर देन दैट मैंने बैचलर्स में मैंने आर्किटेक्चर पढ़ रखा है और फिर मास्टर्स मैंने हिस्ट्री में किया था। मैं गेट भी क्वालिफाइड हूँ ऑल्दो, बट मैंने फिर हिस्ट्री को चूज कर लिया था फॉर मास्टर्स। तो मैंने हिस्ट्री मास्टर्स में किया और लगभग 3 से 4 साल लगे। और मैं जब से मास्टर्स में थी, मैं तभी से प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर यूजीसी नेट, और अभी जा करके मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पेपर वन एंड पेपर टू, दो आप हमारे पेपर होते हैं, तो हम अलग अलग इनके स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा फॉर द पेपर टू, हिस्ट्री के लिए, तो आपने कैसे तैयार किया हिस्ट्री पेपर टू, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी, क्लासेस, नोट्स, गाइडेंस, इन सब के बारे में आप बताइए कि कहाँ कहाँ से आपने अपने मटेरियल को इकट्ठा किया और कैसे प्रिपेयर। जी सर, मैंने अगर क्लासेस की बात करें तो मैंने आप ही की क्लासेस को फॉलो किया था। आई एम फॉलोइंग यू सिंस यू वर इन अन अकेडमी। मैं वहीं से आपको फॉलो कर रही थी, फिर मैंने आप ही की क्लासेस लिया, आप ही क्लासेस से नोट्स बनाए, उस नोट्स ने भी काफी फायदा पहुंचाया। अदर देन दैट मैंने एंशियंट इंडिया के लिए केसी श्रीवास्तव, मेडिएवल के लिए सौरभ चौबे और मॉडर्न के लिए परीक्षा वाणी को प्रेफर किया था। और मैंने एक जो मिस्टेक जो मैंने अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो नहीं की, वो ये था कि मैंने एक भी बार अपने सोर्स को चेंज नहीं किया पिछले 6 महीने में। सो आई गेस वो एक कारण था कि जो मेरे सिलेक्शन का रीजन बना, क्योंकि मैं हर बार सोर्स चेंज कर देती थी तो मैं इस बार चीज बार। को भी बोलना चाहूंगा कि जैसे प्रज्ञा ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। हम क्या करते हैं कि जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे प्रज्ञा का पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने सोर्सेस को चेंज कर दें, हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेस चेंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही चीज को बार बार पढ़ने से हमारा जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है एक ही सोर्स से जब हम पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट जी है। इसके अलावा प्रज्ञा, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने नोट्स बनाए या सिर्फ बुक से पढ़ाई की थी। सर, मैंने नोट्स भी बनाए थे, मैंने बुक्स में भी मार्क करके रखा था। मैं बार बार उन्हें पढ़ती थी, जैसे जो बुक में मार्क होता था उन्हें मैं 3 से 4 बार रेफर करती थी, गो थ्रू करती थी बार बार कि याद आ जाए, या तो एग्जाम में इतना याद रहे कि मुझे पता रहे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो नोट्स भी थे मेरे और मैं हाईलाइट करके भी पढ़ती थी। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, अब टाइम कितना बचा है ऐसा। ओके, टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी, या पीवाईक्यूज की हम बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम के लिए? सर, जब मैंने प्रिपरेशन किया तो लास्ट के 2 महीने तो मैंने सिर्फ ऐसे ही किया था कि 60% ऑफ माई टाइम गोज फॉर पीवाईक्यू, और 40% जो पीवाईक्यू से जो डिफिकल्टीज सामने आती थी या जो डाउट सामने आते थे, मैं उसको नोट्स के थ्रू या बुक्स के थ्रू उसको रेफर करती थी फिर से। तो इम्पॉर्टेंट है सर, पीवाईक्यू होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू मटेरियल्स पढ़ना, क्योंकि मटेरियल्स बहुत है, हम पढ़ ही सकते हो, पढ़ते ही रह जाते हैं, बट जब पीवाईक्यू करते हैं तो एक क्रिटिकल एनालिसिस हमारे अंदर पैदा होता है, हमें समझ आता है कौन से दो वो ऑप्शन है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, दो हैं जिसमें कंफ्यूजन है, या जो दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पीवाईक्यू बार बार करने से ही हमारे अंदर डेवलप होता है।
इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रज्ञा आपका शेड्यूल क्या रहता है, लाइक आप कैसे जब तैयारी करते हो तो कितने घंटे आपने पढ़ाई की इस एग्जाम को क्लियर करने के। जी सर, जैसे मैंने प्रिपरेशन किया तो जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया मेरा स्टडी टाइम बढ़ता ही गया। जैसे कि जब मैं लास्ट में जब मैं एग्जाम देने जा रही थी तो उसके पहले कुछ दिन पहले तक लगभग मैं 12 घंटे से 14 घंटे पढ़ती थी, और फिर मैं मिनिमम ऐसे 6 आवर्स 8 आवर्स से स्टार्ट किया था, और फिर इतना मैं लेकर गई थी टाइम को 12 आवर्स के 14 आवर्स के बीच में। चलो बहुत अच्छा है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक कड़ी मेहनत की तो जरूरत होती है, तो ये काफी अच्छा है, आपने बहुत मेहनत की है मुझे पता है, क्योंकि आप हमारी रेगुलर स्टूडेंट रही है तो हम जी बातचीत भी करते रहते थे, आप बताते भी थे अपनी। जी जी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रज्ञा की लाइक जैसे हम एग्जाम में जाते हैं और पूरे साल हम मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम में हम परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपने एग्जाम जी और मैनेजमेंट कैसे किया, उस 3 घंटे को कैसे मैनेज किया। असल मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बहुत ही अच्छी सलाह दी थी, मैंने उसे ही माना था। एक तो सबसे पहले मैंने अपने ईश्वर को याद किया, और मैंने उस एग्जाम हॉल में जाने के पहले सब उनके हाथ में छोड़ दिया कि अब जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है, आप संभालिए। सेकेंडली सर, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे जो क्वेश्चन मेरी स्क्रीन में है मैंने उसी के बारे में सोचा है। वंस मैंने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, मैं आगे बढ़ गई, मैंने वो क्वेश्चन को अपने दिमाग से हटा दिया। वंस एट अ टाइम मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन के बारे में सोच रही थी, एंड मैंने सोचा कि या मैं मेरे दिमाग में ये चल रहा था दैट मुझे इन ऑप्शंस में से इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को चूज करना है, सबसे सही कौन सा हो सकता है। मेरा पूरा फोकस मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को चूज करने में था। तो सर इसने भी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उस समय मैं ये नहीं सोच रही थी क्या होगा कैसे होगा, उस समय बस मेरा ये था कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है उसके बारे में मैं उसका सबसे अच्छा आंसर निकाल आगे बढ़ूं। प्रज्ञा जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत सारे लोगों का हमारे सक्सेस के पीछे हाथ होता है, तो जी इस जी प्लेटफॉर्म से आप किन किन लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे आपकी सक्सेस के लिए, जिनका आपकी सक्सेस में योगदान रहा है। जी सर, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का, मेरी मदर वो खुद भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और जब जब मेरा नहीं होता था सो शी यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं, एक बार और देखे, देखो देखो इस बार ये गलती रह गई थी, बिकॉज वो जल्दी से मुझसे कोरिलेट कर पाती थी, तो वो मेरे मिस्टेक्स को बहुत इजीली पकड़ लेती थी कि देखो तुमने ये मिस्टेक कर दिया, तो वो बोलती थी देखो ये मिस्टेक्स है इनको सुधारो एंड गो अहेड एक बार और। तो सर मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मदर ने मेरी बहुत हेल्प की है। अदर देन दैट मुझे आपसे भी बहुत हेल्प मिली है, बिकॉज आप भी जानते हैं कि एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरा जैसे सेट का भी रिजल्ट आया था तो वो तो मैं बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री से ही निकल गई मैं तो, और उसने मुझे बहुत ज्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था। और हमारी उस पर बात भी हुई थी तो आपने कहा था कि नहीं प्रज्ञा वंस मोर एक बार और देकर देखो जरूर होगा, ऐसा आप मुझे बहुत बार बोलते थे। तो सर ऑब्वियसली आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अदर देन दैट मेरे फैकल्टीज जो यहाँ पर हैं, जिधर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अपने कॉलेज से, तो मेरे फैकल्टीज उन्होंने भी हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं एक बार और देकर देखो, देखो होगा जरूर होगा, जस्ट बी पेशेंट कीप वर्किंग। अच्छा वाकई में अदर देन दैट मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफी सारे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, जब भी मैं परेशान होती थी दे यूज्ड टू कम टू चीयर मी अप। तो ऐसा काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस पूरी जर्नी में काफी मोटिवेटेड रखा। ये तो बात होगी प्रज्ञा पेपर 2 की, हमने काफी डिस्कस किया, अब पेपर 1 के बारे में आप मुझे थोड़ा बताओ कि पेपर 1 को आपने कैसे प्रिपेयर किया। जी सर, मैं पेपर 1 के साथ एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही बुरा रहा है शुरू में, और शायद पेपर 1 ये कारण था जिस वजह से मैं बार बार रुकती थी। तो सर जैसे हमारे यहाँ एक आप भी जानते होंगे सीमा है जिनका लास्ट टाइम नेट क्वालिफाई हुआ था, तो सर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी और शी वॉज विथ मी इन दिस जर्नी। अभी आखिरी के दिनों में तो हम बहुत अच्छे थे क्योंकि हम एक दूसरे को बताकर ही सारे काम करते थे, वो मुझे बताती थी मैं उन्हें बताती थी गाइडेंस में। तो सर उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए अगर आपका पेपर 1 रुक रहा है ना तो आप प्रीवियस ईयर्स के बुक मंगवा लीजिए जो क्वेश्चन पेपर से उनकी, और डेली एक पेपर लगाइए। तो सर मैं डेली एक पेपर लगाती थी, एक नहीं होता था कभी कम भी हो जाता था बिकॉज बहुत सारा पढ़ने को होता था, सो आई कांट से कि मैं डेली ही लगाती थी एक पेपर।
कभी 20 क्वेश्चंस कभी 30 क्वेश्चंस भी हुए, ऐसा भी हुआ। बट जितना भी होता था सर, उसमें से जो भी मुझे डाउट होता था या जो भी मेरे लिए प्रॉब्लम्स आते थे, तो फिर मैं उन टॉपिक्स को बाकायदगी से गो थ्रू करती थी अपने नोट्स से, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो जी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा प्रज्ञा, जैसे आपने पीवाईक्यूज की बात की, तो पीवाईक्यूज का कितना रोल है, मतलब क्या पीवाईक्यूज करने चाहिए, कितने साल पुराने करने चाहिए हमें? सर, लेटेस्ट ट्रेंड पे करने चाहिए। मेरे ख्याल से 2 साल के PYQs इनफ होते हैं, एंड अदर देन दैट PYQs आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अब जब मैंने बहुत सारे PYQs लगाए थे और PYQs के ट्रेंड को समझ ली थी मैं, तो मैंने ये देखा था सर कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसमें नंबर्स या तो फिर कुछ कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि सर मैथ्स जो होता है ऑलमोस्ट सेम आता है, DI जो है बार बार हर पेपर में लगभग एक जैसी ही देखने को मिलेगी, कुछ अलग होगा। RC जो है वो भी ऐसा होता है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतना ज्यादा RC बनेगा। ऑल्दो मैंने ये चीज फील की कि इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन सब का जो लेवल था वो काफी बढ़ा दिया गया था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो रह गए वो भी इसी वजह से रह गए क्योंकि उनका पेपर 1 वो उतना मैनेज नहीं कर पाए हैं। और सर इसके अलावा जैसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, तो वो तो बिल्कुल सेम आती है हर बार, बस कुछ चीजें बदल देते हैं वो, बस बाकी पूरा सेम होता है। इंडियन लॉजिक भी बहुत कुछ सेम आता है, इंडियन लॉजिक से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़ते कम इसलिए हमको वो डर लगता है इंडियन लॉजिक से, बट इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग पॉइंट्स ऑफ पेपर 1। हाँ चलिए, तो एक चीज और जानना चाहूंगा प्रज्ञा मैं आपसे कि क्लासेस और सेल्फ स्टडी, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट को कि आपने क्लासेस ली है तो आपको कितना उससे बेनिफिट मिला, और सेल्फ स्टडी है वो कितनी जरूरी है, तो दोनों के बारे में ही आप हमें बताइए। क्लासेस भी इम्पोर्टेंट होती है और सेल्फ स्टडी, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। शुरुआत तो मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही की थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि मेरे लिए वो इनफ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो पेपर 1 था, तो सर इस वजह से मैंने क्लासेस लिया था। तो पेपर 1 पेपर 2 जब दोनों की क्लासेस लिए, प्रॉपर नोट्स मेरे पास हुए जो मेरे खुद के बनाए हुए थे, क्लासेस से समझे हुए थे, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो सर मेरे जैसा अगर कोई बहुत एवरेज स्टूडेंट है, तो अगर उसको क्लियर करना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा उसको क्लासेस पर रिलाई करना चाहिए, इफ दे वांट। अगर उसे नहीं हो रहा है तो ओके प्रज्ञा, ऑलमोस्ट हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। जी सर, अब आप स्टूडेंट को कोई जी जी मैसेज देना चाहते हैं अंतिम में, कोई लाइन आप बोलना चाहोगे स्टूडेंट के लिए? जी सर, जब मेरा सिलेक्शन MP सेट में नहीं हुआ था एंड आई वाज वेरी डिवास्टेटेड, तब एक जो लाइन थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखा था वो ये थी, दैट ड्यूटी इज अबव ऑल इमोशंस, दैट योर इमोशंस, आपके इमोशंस कोई काउंट नहीं करता, बट आपका ड्यूटी हमेशा काउंट होता है, आपका हार्ड वर्क काउंट होता है। तो सर अगर किसी का नहीं हुआ है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने भी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला है, मुझे भी कुछ अटेम्प्ट्स लग गए निकालने के लिए, तो लेकिन ये है कि मैंने कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, आई केप्ट ऑन गोइंग। मैंने सोचा कि पिछली बार कुछ कमी थी, आगे और ज्यादा करूंगी, आगे और मेहनत करूंगी और मेहनत करूंगी, इस तरीके से करते करते सर निकल ही गया है। चलो नाइस नाइस, तो प्रज्ञा जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, है ना, और आप हमसे जुड़े रहिए, जी उनको सर, भी आप गाइड करते रहिए, आपके जो भाई बहन हैं जिनका नहीं हो पाया इस बार उनको भी हमें इस बार जी क्लियर जी करवाना है कैसे भी, जून वाला श्योर टाइम तो सर, आप गाइड करते रहिए और जी अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। और आपको वंस ओके, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी यूनिवर्सिटी परिवार को। थैंक यू सर, जी जी सर, ओके। ओके जी, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।